नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। वैसे तो उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में जातिगत समीकरण ही मायने रखते हैं, लेकिन भाजपा जातिगत समीकरण को साधने के अलावा एक ऐसे वोट बैंक पर आस लगाए बैठी है जिसके जरिए वो सभी जातियों में सेंध लगा सके, जिससे कि विपक्षी दलों के गठबंधन को मात दी जा सके। पार्टी का इसके जरिए केंद्र और राज्य की योजनाओं पर भरोसा है, जिसमें सबसे प्रमुख केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसके तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुंचा है और ये योजना अभी भी जारी है। इसी तरह राज्य के 1.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन तक केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला स्कीम के तहत LPG कनेक्शन पहुंचाए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी जो हैं वो महिलाएं हैं। बीजेपी को इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 33 लाख लाभार्थियों से भी बड़ी उम्मीद है। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए भी घर का फायदा पहुंचा है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, विधवा पेंशन योजना से पार्टी को वोट साधने की उम्मीद है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरी 2 चरण में लाभार्थी वर्ग कितना अहम रोल अदा कर सकता है। उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण सुना देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजगंज में थे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार व राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें सबसे ज्यादा जोर फ्री राशन योजना पर था। गरीब के बच्चे अपना सपना पूरा कर पाए, इसके लिए हमारी सरकार मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, उनकी मदद के लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, अकूत संपत्ति कमाने वाले इन परिवारवादियों को घर बनाना हो तो वह लखनऊ में भी घर बना सकते हैं और लंदन में भी घर बनवा सकते हैं, लेकिन गरीब के सिर पर पक्की छत हो इसकी चिंता मोदी दिन रात करता है। मेरे भाइयों बहनों, हमें गरीब की चिंता है। इस कोरोना के कालखंड में मेरे किसी गरीब परिवार के घर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी गरीब के घर में कोई ऐसा दिन ना आए कि उसका घर का चूल्हा न जला हो। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने 15 करोड़ गरीबों को, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन देकर के उनको हमने इस मुसीबत से बचाने का सेवा भाव से, पवित्र कर्तव्य भाव से काम किया। तो जहां 5 फेज के जो चुनाव है खत्म हो गए, सिर्फ 2 फेज के चुनाव बचे हैं और 2 फेज काफी अहम है। ये जीत और हार का जो अंतर है वो तय करेंगे और लाभार्थी वर्ग जो है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी आस उम्मीदें बनाए रखे हुए। कितना फायदा पहुंचेगा, कितना अहम हो सकता है लाभार्थी वर्ग, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दिनेश पाठक जी जुड़ गए हैं। इन्होंने अखबार से लेकर टेलीविजन की दुनिया में तमाम बड़े पदों पर, संपादक के पद पर काम किया है, ढेर सारा आपको अनुभव। सर, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ आलोक भदौरिया जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। देश में तो उन्होंने काम किया ही है, विदेशी मीडिया में भी काम किया है, खासा अनुभव है, कई वर्षों का अनुभव है और जमीन के जो मुद्दे हैं इन्होंने बेबाकी से उठाए हैं। कौन सी राजनीतिक पार्टियों की क्या आइडियोलॉजी है, क्या उनका एजेंडा है, उसको बाखूबी आप समझते हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी से MD सिंह यादव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। MD सिंह यादव जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी से शबनम पांडे जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत दिनेश पाठक जी आपसे ही करेंगे। 2 फेज का चुनाव बचा है और काफी ये अहम होने वाला है, वो इसलिए कि अभी तक जितने भी फेसेस गुजरे हैं अभी तक कह पाना मुश्किल है कौन बढ़त बनाए हुए। पहला ऐसा चुनाव कहेंगे जहां अभी तक लहर समझ नहीं आ रही। जो लाभार्थी वर्ग है, बीजेपी की कोशिश है, आज प्रधानमंत्री कई जगह पर रहे और हर जगह उन्होंने योजनाओं का जिक्र किया है, क्या लगता है कितना खास है, कितना अहम है लाभार्थी वर्ग?
सलीम जी देखो, योजनाओं का असर तो है इसमें, इसको इनकार करना सिर्फ हमारी जाहिलियत होगी। बस इसमें पेंच दो हैं, जैसे उज्ज्वला योजना की बात आप कर रहे हैं, उज्ज्वला वो योजना, उधर ही उज्ज्वला योजना हमें मिली है जो गरीब परिवारों में, खास तौर से कि हमारी आपकी सिर पर तो वो फर्क नहीं पड़ा है, 1,000 रुपए का सिलेंडर है, 1,200 का सिलेंडर हम खरीद रहे हैं। लेकिन उन परिवारों में जो गरीब परिवार है, जिनके पास बिल्कुल जुगाड़ से खाना चल रहा है, उनके लिए 1,200 रुपए सिलेंडर हो सकता है कहीं किनारे पड़ा हो। राशन, अगेन फिर राशन बहुत ही सच्ची निष्ठा से सरकार ने फैसला किया, राशन घर घर पहुंचाने की बात की और बहुत बड़ी आबादी को राशन पहुंचाया। लेकिन ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जहां सरों का नाकारापन सरकार को भारी पड़ सकता है, जहां सड़ा अनाज पहुंचा है, गला अनाज पहुंचा है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना या शौचालय की योजना जो है, वहां भी वही बात लागू होती है जहां प्रधानों ने कमीशन खा लिया, घटिया माल सप्लाई करवाया, घटिया कंस्ट्रक्शन ठेकेदारों ने कराया, हालांकि बहुत सारा काम लोगों ने खुद किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको पैसे मिले, उन्होंने बनाए, लेकिन प्रधानों की जो दबंगई है, भ्रष्टाचार है, वो आम है, वो कोई, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। तो मान लिया किसी परिवार में मकान बनना बहुत अच्छी बात है, मकान किसी का सपना होता है कि उसको मकान उसका बने, वो वोट दे देगा, लेकिन राशन में जहां गड़बड़ हुई है वहां दिक्कत आ सकती है। उज्ज्वला योजना बहुत अच्छी स्कीम थी निश्चित तौर पर, लेकिन कुछ ऐसा तालमेल बना कि जब उज्ज्वला योजना बटनी शुरू हुई तो सब्सिडी अचानक विड्रा हो गई, और जब सब्सिडी विड्रा हुई तो गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं। मैं समझता हूं कि 1,100-1,200 रुपए के आसपास सिलेंडर आ रहे हैं। तो अब ये 1,200 रुपए के आसपास अगर सिलेंडर की कीमत, या 1,100 रुपए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने का सिलेंडर है, बट 1,100 का सिलेंडर है, जिसके पास 1,000-2,000 रुपए की कमाई है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। एक जो और महत्वपूर्ण है जो बीजेपी को सरतिया प्लस करती है, वो है कैश, जो किसान के खाते में सम्मान राशि के नाम पर पैसा पहुंचा, वो सरतिया, वो एंटीबायोटिक की तरह काम कर रहा है और उसे काम करना भी चाहिए। अगर पैसा खा के भी हमने वोट नहीं दिया तो फिर ये तो नाइंसाफी हो गई। तो मुझे लगता है कि उज्ज्वला योजना और राशन योजना में तो मुझे घालमेल दिख रहा है, बट पैसे की योजना में कोई घालमेल नहीं दिख रहा, क्योंकि वो सीधे खाते में गया है और उस पैसे का इस्तेमाल लोगों ने अपने तरीके से, अपने जरूरत के हिसाब से किया है। तो ये मोटा मोटा है। जहां जहां करप्शन इन्वॉल्व हो गया, करप्शन हमारे यहाँ कम नहीं हुआ है, चाहे मोदी जी ने करप्शन कम करने की बात की हो, योगी जी ने, इन दोनों लोगों पर कोई करप्शन का अब तक आरोप नहीं लगा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी नहीं लगने जा रहा। लेकिन सिस्टम जो है, जो लेखपाल है, जो ग्राम सेवक है, जिसको ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं, वो है, ग्राम प्रधान है, इनका जो करप्शन है वो सीधे सीधे चलते हुए ब्लॉक से लेके तहसील तक, तहसील से लेके जिला स्तर तक, आम आदमी को तब राहत मिलती है करप्शन से जब उसको तहसील में जाए उसको सर्टिफिकेट मिल जाए, थाने में जाए उसका मुकदमा लिख जाए, लेखपाल के पास जाए उसको खतौनी मिल जाए, अस्पताल में जाए उसको दवाई का पर्चा 1 रुपए 2 रुपए का जो बनता है बन जाए, डॉक्टर साहब देख लें, आम आदमी की आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती, फिर वो गैस वैस की बात करना बंद कर देगा। हमारे जो सिस्टम में करप्शन घुसा हुआ है, जिसका जो अभी फिलहाल लाइलाज है, वो चिंता का विषय है और वो बढ़ा है। कारण कुछ भी हो, मैं नहीं जानता कारण क्या है, बट वो बिल्कुल। बढ़ा और है। दिनेश जी, हम भी अक्सर खबरें पढ़ते हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी जो पात्र हैं उनको ना मिलकर जो अपात्र हैं उनके खाते में गई हैं, जिसको लेकर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अब ये कह देना कि लाभार्थी जो हैं, जो पात्र हैं, उनको सीधा फायदा पहुंच रहा है, ये कहना अभी भी मुश्किल है। बस वो रिश्वत वाली बात है खाली। अगर हाँ, हम बाकी लोगों के पास भी आएंगे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है एम्बुलेंस की संख्या को दुगनी करेंगे, गांव गांव तक सुविधा पहुंचाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं दो फेसेस के चुनाव उत्तर प्रदेश में बचे हैं और जो लाभार्थी वर्ग है उसका एक अहम रोल है,
वो अपना रोल किस तरह से निभाता है, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम शबनम पांडे जी के पास आएंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। शबनम जी, जैसा कि अभी आपने दिनेश जी को सुना, उनका कहना है आप योजनाएं तो अच्छी अच्छी ला रहे हैं, लोगों को लाभ भी पहुंच रहा है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो लाभ मिलना चाहिए जो पात्र नहीं मिल पाता है। जो उज्ज्वला योजना की बात करें, उसमें अब सिलेंडर कीमत आपने 1000 रुपये करीब कर दी है, गरीब आदमी के लिए 1000 रुपये बहुत हैं। स्थिति ये भी है कि सिलेंडर एक किनारे रखा हुआ है, वापस वो लकड़ी के चूल्हे वाली स्थिति में आ गया है। शबनम जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? शायद शबनम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अब मुझे आवाज मिली अभी। जी शबनम जी, सवाल यह है कि अभी दिनेश जी ने कहा कि योजनाएं तो अच्छी हैं, इसका लाभ भी पहुंच रहा है, लेकिन जैसे उज्ज्वला योजना का जिक्र किया, जो केंद्र सरकार है, बीजेपी है, वो अपनी पीठ थपथपाती है कि ये योजना केंद्र सरकार की बहुत बहुत अहम है। आज बलिया में प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र भी किया, उन्होंने सीधा सीधा बलिया से अपना नाता भी जोड़ दिया, उन्होंने कहा एक भावुक रिश्ता है बलिया से, इसकी शुरुआत बलिया से हुई थी उज्ज्वला योजना की। लेकिन आज स्थिति ऐसी है, सिलेंडर 1000 रुपये करीब पहुंच गया है, लोग सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं, सिलेंडर एक साइड में रखा है, लकड़ी के चूल्हे पर वापस लोग पहुंच गए हैं, क्या कहेंगी? देखिए, अभी दिनेश पाठक जी ने बहुत अच्छे से बताया कि जो आवाज होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं उससे भी बड़ी बात बताती हूँ कि शायद हम आप शहर में रहते हैं, हम मिडिल क्लास हैं, हमारे पास गैस कनेक्शन आसानी से हमें मिल गया और हम सिलेंडर ले पाते हैं। लेकिन आप उस समय को समझ के देखिए कि गांव की एक महिला, क्योंकि मैं गांव में भी चुनाव के दौरान गई, तो वहां पे एक महिला मुझसे यही बोल रही थी कि देखिए, हमारे घर अगर दोपहर में कोई मेहमान आ जाता था तो हमें लकड़ी जला के चूल्हा जलाना पड़ता था और तब चाय बनाना पड़ता था। सुबह और शाम खाना तो बना लेते थे चूल्हे में, लेकिन दोपहर के समय कोई आता था तो हमारे लिए बड़ी परेशानी, वो भी बरसात हो या ऐसा मौसम हो जब लकड़ी भीगी होती थी तो हम चाय तक नहीं पिला पाते थे। पर आज गैस का सिलेंडर, निश्चित तौर पे हमारी बहुत सी आबादी ऐसी है कि जो सिलेंडर चाहे 400 रुपए भी था तो उनके लिए वो एक बड़ा रकम हुआ करता था। और आपको मैं बताती हूँ, यूपीए सरकार के समय 1200 तक सिलेंडर का दाम गया था, 1300 तक गया था, और सिलेंडर को इन्होंने 9 सिलेंडर कर दिया था, उससे ज्यादा अगर आपकी खपत। अरे शबनम जी, आपको इसीलिए लाए थे ना केंद्र में, आपको इसीलिए लाया गया था, जो महंगाई बढ़ गई थी, तो जिनके दाम ज्यादा हो गए थे उनको कम किया जाए। अगर आप उसी ओर चलेंगी तो फिर आप जनता किसके पास, जनता के जो जवाब है वो कौन देगा? देखिए, गांव की महिलाओं को जब मैंने इस बात को कहा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हमारा बजट बिगड़ता है, अगर पूरा देश और विश्व बीमार होता है तो देश और विश्व का बजट भी बिगड़ता है, पर सिलेंडर के लिए हम अपना पैसा इकट्ठा करके एक सिलेंडर लेते हैं ताकि दोपहर और सुबह के भोजन के बाद अगर बीच में कभी कुछ जलाना तो हमें लकड़ी के आश्रय नहीं बैठना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं संतुष्ट थी और इस बात से संतुष्ट थी कि ये कनेक्शन मिलना भी आजादी के 70 साल बाद कनेक्शन नहीं मिलता था हमें। तो ये जो मोदी जी ने कहा करा, ये कहीं ना कहीं उनके हाथ को मजबूत किया। और हम केवल इसी को नहीं देखते, निश्चित तौर पे सारी योजनाएं धरातल पर निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ उतरा। डीबीटी के माध्यम से आर्थिक मदद जो दी गई वो भी पारदर्शिता के साथ। और यहाँ तक मैं बताती हूँ, राशन के वितरण में पिछली सरकारों में पात्रों को राशन कार्ड, 30 लाख राशन कार्ड हमने निरस्त किया था। तो इस तरीके से हमारी सरकार ने लगाम तो कसी है और लगाम कसने की वजह से आज ज्यादातर गरीब परिवार और निम्न मध्यम वर्ग परिवार जो जिन्हें राशन मिल रहा है, जिन्हें गैस कनेक्शन मिल रहा है, जिनके बच्चों को बिजली के नीचे पढ़ने की सुविधा मिल रही है, जिन्हें छत मिल रही है। और मैं युवाओं की भी बात करूं, बार बार ये बेरोजगारी पे भी कहते हैं, पर मैं बताती हूं, जब हमने उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई तब 17% बेरोजगारी था, 4% है।
13% घटाया है, निश्चित तौर 4% को भी उम्मीद है कि हम उन्हें भी रोजगार दें। तो कुल मिलाकर आपका कहना है जो लाभार्थी वर्ग है वो जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको भूल जाएगा, जो योजनाओं के लाभ उसको पहुंचे हैं उसको ध्यान में रखकर वोट करेगा। इसका जवाब भी हम लेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बने हुए एमडी सिंह जी, उनके पास भी आएंगे। उससे पहले एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर दे लाभार्थी वर्ग जो है उस वो किस तरफ जा रहा है, क्या बीजेपी को इसका फायदा पहुंचेगा या फिर इसको लेकर भी तमाम तरह की राय बनती दिख रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, वापस हम आएंगे। हमारे साथ एमडी सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एमडी सिंह जी आप ही के पास आएंगे। ब्रेक से पहले जिस बेबाकी से शबनम जी ने बातें कही कि जो लाभार्थी वर्ग है वो एक अहम भूमिका निभाने वाला है, अब तक सिलेंडर लोगों के पास नहीं होते थे, सिलेंडर देने काम केंद्र सरकार ने किया, उसका फायदा भी 2019 में बीजेपी को मिला है। क्या 2019 में जो फायदा बीजेपी को मिला है, जहां 300 ज्यादा सीटें पाई थी, एक बार फिर से बीजेपी उसी की तरफ बढ़ रही है? थैंक यू शैलन जी। ये बीजेपी की सरकार सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट, हेडलाइन बनाना, बस इनका बड़े बड़े हेडलाइन देना ये कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आपने देखा इधर 4-5 सालों में इनके पास कोई ऐसा विजन नहीं रहा, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने नहीं इम्पोज किया, यहाँ पर लगाया जिससे कि लोगों को जॉब मिले, जॉब क्रिएशन के रूप में जॉब सृजन के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। टोटली कॉरपोरेट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है, कॉरपोरेट्स के हिसाब से सारा इनके निर्णय होते हैं। कहीं पर सिलेंडर लाखों पड़े थे, किसी कॉरपोरेट मित्र ने बता दिया होगा कि भाई इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और गैस महंगी करके, और ये जो सिलेंडर हैं इनसे ज़्यादा पैसा तुम अपना हर जब भी भरवाएगा आदमी तो ये इससे ज़्यादा तुम अपना लेते रहो और उपभोक्ता बना डालो। तो ये टोटली सरकार के पास कोई विजन नहीं रहा। आज स्थिति ये है कि किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, खाद के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ने से सिंचाई महंगी हो गई और मजदूर महंगे हो गए, आज लागत इतनी बढ़ गई कि वो चीज़ जब मार्केट में आती है, प्रोडक्ट जो आता है, फसल आती है, तो उनकी आय दुगनी की बात कर रहे थे, दुगनी क्या बल्कि आय खत्म हो गई, घाटा होने लगा। उसका नतीजा हुआ कि 8% किसान वो मजदूरी करने शहरों की तरफ और गांव में ही पलायन कर गए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी हेडलाइन मैनेजमेंट बड़ी बातें करने में एक्सपर्ट तो हैं, आप देखते ही हैं, लेकिन वो टोटली एक विदाउट एनी वो इसेंस होता है, उसके अंदर दम नहीं होता। मतलब जैसे अब देखा आपने जब पलायन कर रहे थे मजदूर, प्रवासी मजदूर आ रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो ट्वीट करने में बहुत आगे रहते हैं, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, तमाम रास्ते में पैदल मजदूर मर रहे थे, एक ट्वीट माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं आया था। लखीमपुर में ये पहला, हमारी जिंदगी में पहला इंसिडेंट हमने देखा, हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, लोग पैदल जा रहे थे और जो किसान थे, इनोसेंट किसान थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, एक ट्वीट माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं आया। कोई ऐसी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें लीक ना हुआ हो, ये पेपर लीक वाली गवर्नमेंट के रूप में इस भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को हिस्ट्री में जाना जाएगा। और स्थिति ये है कि बेरोजगारी तो इतनी ज्यादा हो गई है, समझिए कि 4 करोड़ बेरोजगार हैं, हो चुके हैं पढ़े लिखे, उसमें
ढाई करोड़ तो इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो वहां दर्ज है, लेकिन सरकार वो आंकड़ा दिखा रही है। और 1.5 करोड़ जो है, 1.5 करोड़ वैसे बेरोजगार हैं, दे आर टेक्निकली एजुकेटेड, बीटेक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक करके, और दर दर ठोकर खा रहे हैं, डिग्रियां लेकर भटक रहे हैं। कोई सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की, जॉब क्रिएशन के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, ये टोटली फ्लॉप सरकार रही। सरकार तो करी आंकड़ा जो बेरोजगारी दर का है वो 3% तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश को ये सबसे ज्यादा गरीब, जो मोस्ट पुअर स्टेट्स हैं, जो सबसे गरीब जो है प्रदेशों में, ये जो 3 सबसे गरीब है उनमें उत्तर प्रदेश को इन लाख खड़ा कर दिया। तो ये टोटली सरकार फेल है, जनता त्राहि त्राहि कर रही है। लोग मिलाकर जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कोरोना काल में मजदूरों की वापसी हो, या फिर जो लखीमपुर में किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की बात हो, ये जो वोटर्स हैं ये भूलने वाले नहीं नहीं है। ठीक, हमारे साथ आलोक भदौरिया जी बने हुए हैं। आलोक जी, आपके पास ही आएंगे सीधा। अब जो लाभार्थी वर्ग है, क्या माने कि जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं उनको भूल जाएगा, जो सरकार के अगेंस्ट में रही हैं, सरकार के खिलाफ एक माहौल बना है उन घटनाओं से, चाहे वो हाथरस की हो, लखीमपुर खीरी की हो, कोरोना काल में बेड ऑक्सीजन ना मिलने की हो, या फिर मजदूर जब वापसी कर रहा था। आलोक जी, भाजपा के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का है। भाजपा का सर्वोच्च स्तर से लेकर जो जिला स्तर पे भी जो कार्यकर्ता है, या जो नेता है, या जो मंत्री है, जो अपने बयान दे रहे हैं, जो वो बातें कह रहे हैं, वो जमीन पर नहीं चढ़ पा रही है। जैसे इनका हिंदुत्व कार्ड नहीं चला, मैं आपके लाभार्थी वाले सवाल पे जाता हूँ, जैसे उनका वो हिंदुत्व कार्ड उनका नहीं चला, पूरी कोशिश हो रही है, आखिरी समय तक कोशिश हो रही है। इन्होंने 2019 का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला दोबारा चला सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेते हुए उन्होंने यूक्रेन का भी उदाहरण, बाकी सब चीज, और यहाँ भी इन्होंने चालू कर दी। और एक चीज और है, इनकी टाइमिंग जो होती है, जब कोई चीज आप एक बार करते हैं ना, काट की हांडी आपकी एक बार चढ़ती है, तो इन्होंने इनको 3-4 बार चढ़ा दी। जैसे अगर आप देखिए, कानपुर के पास में एक जैन के यहाँ पैसे का पता चला कि इतने पैसे मिले, ये सब हुआ, उसके बाद आगे क्या। तो ये एक विश्वसनीयता का संकट है कि सरकार इसमें थोड़ी सी सफल नहीं हो पा रही। और दूसरी एक बड़ी समस्या यह है कि सरकार के पास में कोई रोडमैप नहीं दिखाई देता, ना केंद्रीय नेतृत्व के पास, ना प्रदेश के पास। इसको आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा का भी मामला काफी उठाया जा रहा है, तो अभी हम लोग पहले बात करते हैं। जैसे इन्होंने 370 हटाया, तो अब उसके बाद क्या डेवलपमेंट के लिए आपने कौन से कदम उठाए। ठीक, उत्तर प्रदेश में आए, एक मुख्यमंत्री की भाषा आ रही है, ठोको और ये ठोक दो, ये सब बुलडोजर, ये सब, ये भाषा कहां ले जा रही है। इसके बाद क्या, अगर आप स्थायी समाधान चाहते हैं, ठीक है, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है ये कर रही है, लेकिन संविधान सम्मत होना चाहिए, नंबर वन। दूसरी बात, अभी भी न्यायालय में बहुत सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं, अदालतों में जज की जितनी नियुक्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तीसरा, बेरोजगारी, बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व करने के लिए इनके पास में कोई फॉर्मूला नहीं। अब ये लोग भी समझ रहे हैं कि अगर आपका उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में नियुक्तियां निकालने की बातें हो रही है, कि बड़े पैमाने पर नियुक्तियां निकाली जा रही है। लेकिन ये सारी समस्याएं आप रेलवे की भर्ती से लेकर, बाकी अपने पीएससी के लेकर, इन बच्चों के साथ में जो सुलूक हुआ, ये भी सब लोग वाकिफ है। अब आया आपका लाभार्थी, लाभार्थी वाला मामला चलता है, बिल्कुल चलता है, कोई शक नहीं है, लेकिन किस हद तक चलेगा। जब आदमी की जब बहुत गरीबी होगा, जब उसको पेट भरना होगा, किसी तरीके से जीवन जीना होगा, तब उसके लिए ये सब मुद्दे बड़े काम के हैं। कुछ अकाउंट में पैसा डीबीटी का, वो जड़ा काम का है। उज्ज्वला योजना की, जैसा अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा है, कि उज्ज्वला योजना मुकाम पे नहीं पहुंच पाई जहां पहुंचना चाहिए था, क्योंकि वो मुमकिन नहीं था, वो व्यवहारिक धरातल में नहीं था। आप इतना पहुंचा करके, अच्छा अभी बहुत लोगों, आलोक जी माने जो 2019 में इलेक्शन हुए थे, तब तक तो उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचा है, या ये माने जो लहर थी उस लहर की वजह से जीत गए, सिलेंडर के दाम महंगे हो गए, उससे आपको लग रहा है कि योजना का जो फायदा था वो शायद अब ना मिले। नहीं, जब ये योजना शुरू हुई थी तो उसमें ये था कि आपको वो चूल्हा मिल गया, सब मिल गया, लेकिन बाद में जब स्थिति पता चला कि ये तो आपको किस्तों पे है, बाद में इसका भुगतान करना पड़ेगा, ये बिल्कुल लगभग एकदम बजट के तरीके से हो गया, कि जब वो बजट पेश होता है तो आपको पता नहीं चलता है कि उसमें है क्या, बारीक फाइन प्रिंट उसके 2 या 3 दिन के बाद में निकल करके आते हैं कि है क्या। तो उज्ज्वला योजना के साथ में भी सबसे बड़ी त्रासदी यही रही,
योजना एक हो सकती है अच्छी, मैं उसमें बुराई नहीं करता कि लेकिन उसके जो क्रियान्वयन के थे उसमें जो बारीकियां थी उन बारीकियों पर पूरी तरह ध्यान नहीं रखा गया। अब जैसे आप मनरेगा की बात करें, लाभार्थी भी एक मनरेगा भी, मनरेगा में एक ये है कि आप काम करते हैं तब आपको पैसा मिलता है, यहाँ पर ये स्थिति है। बाकी योजनाओं में आप काम करें चाहे नहीं करें, कई सारी योजना जैसे किसान सम्मान निधि, आप काम करें नहीं करें आपके अकाउंट में पैसा आएगा, लेकिन उन किसानों का क्या करेंगे जो रात भर अपना जगते रहते हैं, जो परेशान रहते हैं साल भर, आपका पैसा तो साल में चार बार आएगा लेकिन वो तो 300 दिन बेचारे खेतों में लगे रहते हैं, जगते रहते हैं, उनका क्या? बिल्कुल, एक तरफ तो लाभार्थी को फायदा पहुंच रहा, दूसरी तरफ जो इम्प्लीमेंट है वो ठीक से नहीं हो पा रहा। अगर आवारा पशुओं की बात करें वो एक बड़ा समस्या बने हुए हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री राशन की बात तो करते हैं, इसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं तमाम सारे जहां किसान आवारा पशुओं से भी परेशान हैं। क्या ये नाराजगी भी जाहिर हो सकती है वोटों के माध्यम से, इस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह में 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। Loser. See you in soccer. Yes! Ji haan! Predict cricket and football results and win cash only on Sky 247. Anywhere, anytime. 24/7 entertainment. Only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं लाभार्थियों की। दो फेस का चुनाव बचा है, लाभार्थी वर्ग की जो तादाद है काफी ज्यादा है, क्या लाभार्थी वर्ग जो उसको फायदा पहुंच रहा है उसको देखते हुए वोट करेगा या फिर उसके भी अपने अलग मुद्दे हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वापस एक बार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले आलोक जी की बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे आलोक जी पहले आप उसे पूरा करें। देखिए योजनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, बनाना उनका महत्वपूर्ण होता है, तो उसकी ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसका जो जो फाइन प्रिंट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, उस पर कायदे से मेहनत की जानी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो देखा गया, हम लोग जिन योजनाओं की बातें कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की कम है, ज्यादातर वो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजना। तो लेकिन सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अगर हम लोग नोटबंदी के दौर से अगर हम आगे चले तो आपको याद होगा कितने संशोधन आए, तो उसके बाद आप जीएसटी आई है, जीएसटी में देखिए कितने संशोधन आए। इवन कि आप एमएसएमई में चले आए, एमएसएमई को भी आगे बढ़ाने के लिए कोई समझ में नहीं आता, कोई रास्ता नहीं है। जो जैसा मैंने पिछली बार आपके कश्मीर वाले संदर्भ में भी कहा कि रोडमैप क्या है, अब जैसे आपको एमएसएमई को अगर चलाना है, कैसे बढ़ाना है, बाजार में मांग पैदा करनी है, तो आप कैसे करेंगे, रोजगार का संकट कैसे दूर होगा। ये बात सही है कि सरकार साझे तक को नौकरियां नहीं दे सकती, लेकिन निजी क्षेत्र में आप केवल कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचा रहे हैं। आपने कॉर्पोरेट को 1,76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आपने उसमें टैक्स में उन सब में रियायत दे दी, नौकरियां कितनी बनी। तो सवाल यह है कि सरकार के जो रोडमैप है डेवलपमेंट का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
नौकरियां कैसे बनेगी? नौकरियां सबसे बिल्कुल ज्यादा नौकरियां रोजगार काफी अहम है और टेक्सटाइल देता है। एक कुछ समय तक आप लोगों को राशन दे सकते हैं, लाभार्थी हो सकते हैं। देखिए आज उज्ज्वला योजना का आप थोड़ा सा रेफरेंस देते हैं, बाकी उसकी कोई तारीफ नहीं करता। तो एक विश्वसनीयता का एक संकट है कि आगे क्या होगा। पेट भरने के बाद में आदमी को समझ में आता है कि उसको तरक्की करनी है, उसकी अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, ऐसा कदम नहीं उठ रहा। वो कैसे पूरी होंगी जिसमें रोजगार एक अहम मुद्दा है। शबनम जी, जैसा कि आलोक जी ने कहा कि आप योजनाएं तो अच्छी अच्छी लाते हैं, नो डाउट, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूट करना है, वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। आज इस ब्रेक से पहले जैसे हमने बात की उज्ज्वला योजना की, थी अच्छी थी, उसके बाद सिलेंडर के रेट महंगे हो गए, उससे लोग परेशान हैं। इसके अलावा फ्री राशन की बात आप लोग कर रहे हैं, उसका फायदा पहुंच रहा है, लेकिन अब जो लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं, खेती करते हैं, आवारा पशुओं से बहुत परेशान है, उनका कहना कि फ्री राशन तो दे रहे हैं लेकिन आवारा पशु तो उससे ज्यादा खराब कर दे रहे हैं। शबनम जी, बात को कहना है कि योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा। मैं इसको जरूर कहूंगी कि पहले से कई गुना बेहतर हुआ है। और अगर कहते हैं रोड मैप नहीं है, तो मैं कहती हूँ उत्तर प्रदेश से कुटीर उद्योग करीब करीब हमारे शासन काल के पहले खात्मे पे था, पर ODOP योजना एक ऐसी योजना आई जिसने 11,296 ऐसे उत्पाद है जिसको Amazon पे लिस्टेड किया। तो आप ये समझिए, अगर 11,296 उत्पाद गए हैं तो उसके पीछे कितने लोगों को रोजगार मिला, और ये अक्सर हमारी सरकार के आने पे ही हुआ। आज अगर स्टार्टअप की भी बात करिए तो 34,000 स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में है। अगर इसकी अपॉर्चुनिटी दी तो हमारी सरकार ने दी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टैलेंट हमारे प्रदेश में था, लेकिन इस टैलेंट को कहीं ना कहीं पिछली सरकारें इकोनॉमिक लीडर्स बनाने में कुताही करती थी। जो हमारे सपा के साथी कह रहे हैं बेरोजगारी विपक्ष पे रही है, क्योंकि विपक्ष ने कहीं ऐसे टैलेंटेड युवाओं को अनदेखा किया, स्वरोजगार की मजाक उड़ाया, स्वरोजगार के नाम पे हंसी उड़ाते थे कि समोसा बेचना और ये। लेकिन आज यही युवा, अगर आप देखें क्रेड इंडिया में, क्रेड है, जोमेटो है, पेटीएम है, ये सारे स्टार्टअप्स इंडिया में ही शुरू हुए और हमारे ही शासन काल में शुरू हुए। तो कैसे शुरू हुए? रोजगार देना, स्वरोजगार देना, सरकारी नौकरियां देना। 10 करोड़ महिलाओं को हमने 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है। आप इसको, इससे 10 करोड़ महिलाएं हैं तो समझिए 10 करोड़ परिवार हो गए। तो इस तरीके से हमने बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी, उत्तर प्रदेश की आबादी 2 करोड़ बढ़ गई, 21 करोड़ से आबादी बढ़ के 23 करोड़ हो गई, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिंगल विंडो किया और नीति आयोग के अध्यक्ष साफ तौर पर कहते हैं जॉब वाले थे, नौकरी वाले थे, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल से सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया, कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। सुरक्षा की बात हो तो जया बच्चन जी साफ तौर पे हर मोर्चे पर योगी सरकार फेल है। कौन कहता है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है? एकदम सुरक्षित है। वो मंच से खुद सपा की होती भी साथ को कहते हुए सुनाई देती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमने जो उत्तर प्रदेश विरासत में लिया था उससे हमने बहुत बेहतर किया। अगर हम रिलीजियस प्लेसेस को स्ट्रेंथन करते हैं, उसका हम सौंदर्य ठीक है एमपी सिंह जी आएंगे आपके पास, ठीक है शबनम जी, ठीक है शबनम जी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ाते हैं रोजगार की और हम पर्यटन, लेकिन लेकिन ठीक है, ठीक है एमपी सिंह जी पर्यटन में विस्तार करते हैं तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी इसका विस्तार होता है। ठीक है, आएंगे एमडी सिंह जी आपके पास भी। हमारे से दिनेश पाठक जी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, जैसा कि आपने शबनम जी को सुना, भी स्टार्टअप की बात कर रही हैं, स्टार्टअप से फायदा पहुंचा है, लेकिन हम ये कहें बड़े शहरों में जो स्टार्टअप योजना है उसका तो फायदा पहुंचा, लेकिन तमाम ऐसे छोटे शहर, जिले, कस्बे जहां पर स्टार्टअप नजर नहीं आता। और स्विगी जोमेटो की बात आप कर रही हैं, स्विगी आज से नहीं काफी पहले से चल रहा है उसका, हालांकि ये मानेंगे रोजगार बढ़ा है, लेकिन सीधा सीधा उसको स्टार्टअप से जोड़ देना वो कहां तक ठीक है? दिनेश जी, स्टार्टअप खुले होंगे जैसा मैडम ने कहा कि बहुत सारे स्टार्टअप खुले, स्टार्टअप 100, सुन लीजिए शबनम जी, 34,000 उसमें बंद भी बहुत से हो गए। हाँ
हम 3,40,000 मान लेते हैं, 34,000 ही क्यों कहें, हम 3,40,000 भी कहें, लेकिन स्टार्टअप का जो सक्सेस रेट है ये पूरी दुनिया जानती है कि कितना है। तो सक्सेस जो स्टार्टअप अपनी सफलता को लेके आगे बढ़ गए, स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप कभी भी इसलिए नहीं होते कि वो कामयाब ही होंगे। स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट ही है, वो भारत सरकार के ड्राफ्ट में लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार के ड्राफ्ट में लिखा है। स्टार्टअप करने वाले बच्चे भी जानते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनका स्टार्टअप सफल हो। स्टार्टअप बोलते हैं जब, तो वो किसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन लेके आ रहे हैं इंसान समाज को देने के लिए, वही रियल स्टार्टअप है। जोमेटो स्टार्टअप नहीं हो सकता, माफ करेंगे, स्टार्टअप मतलब ये कि कोई सामाजिक सलूशन लेके आए हैं आप, और उसकी सफलता का रेट अभी भी दो अंकों में नहीं है। पूरे देश का आंकड़ा बता रहा, खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। तो इसलिए स्टार्टअप पर हम बहुत खुश नहीं हो सकते। निश्चित तौर पर हमारे नौजवान स्टार्टअप कर रहे हैं, तो इसकी बधाई हम उन्हीं को देंगे, क्योंकि स्टार्टअप में गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। स्टार्टअप पे जो भी फंड आ रहा है, वो जो नौजवान IIM से पढ़ाई करके, IIT से पढ़ाई करके स्टार्टअप कर रहा है, उसको तो फंड मिल जा रहा है। लेकिन अगर दिनेश पाठी ऐसा कोई आदमी चाहे स्टार्टअप शुरू करना, और उसको फंड के लिए एक रुपया कोई देने को तैयार नहीं है, और बैंक में आप ये मान लीजिए, पूरे सदन से मैं पूरी विनती से और विनम्रता से कहूंगा कि बैंकों में इतना आसानी से 25,000-50,000 रुपए से स्टार्टअप नहीं शुरू होता। स्टार्टअप के लिए एक कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट नोट चाहिए, एक पूरा पूरा कंप्लीट प्लान चाहिए, और उसके बाद फिर आदमी लेके मंडी में जाता है, पैसे अरेंज करता है। पैसे पाने की स्टार्टअप की पहली शर्त है कि आपके बोर्ड में IIM के लोग हैं कि नहीं है, IIT के लोग हैं कि नहीं है, ISB हैदराबाद के लोग हैं कि नहीं है। अगर वो नहीं है, वो सारे नौजवान परेशान है, और मैं कम से कम 500 नौजवानों को जानता हूं जो स्टार्टअप के साथ इस समय काम कर रहे हैं। और तो स्टार्टअप, और दिनेश जी, बहुत से ऐसे युवा हैं जिन्होंने IIT जाकर भी अपनी जो मॉडल है उसको पेश किया, वहां से अनुमति परमिशन भी मिल गई, उसके बाद जो प्रोसेसिंग है इतनी लंबी है कि वो थक हार कर घर पर बैठ गया, उसको पैसा नहीं मिला। शैलेंद्र जी, मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं कि हर IIM, हर IIT या हर प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में जितने भी हैं, सब में इनोवेशन और स्टार्टअप का एक सेल है। IIM लखनऊ में भी उनके दोनों कैंपस में ये सेल काम कर रहा। मैं अभी रिसेंटली मैंने विजिट करा था नोएडा कैंपस में IIM लखनऊ के, तो वहां 26 या 24 स्टार्टअप रनिंग में है। मतलब वो वहां से वो सीट अरेंज करते हैं। उन कैंपस में स्टार्टअप को क्या क्या देते हैं, वो ऑफिस देते हैं, इंटरनेट देते हैं, बिजली देते हैं, फर्नीचर देते हैं, इवन सिस्टम भी देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम भी देते हैं। उन्हें खाली स्टार्टअप्स को आना है, अपना थॉट प्रोसेस शेयर करना है। अगर डायरेक्टर को पसंद आ गया, जो कमेटी है उसको पसंद आ गया, तो उनको वहां वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जहां से स्टार्टअप शुरू होता। तो उस बच्चे को केवल जो काम करना है, उसको सीड मनी अरेंज करनी है। सीड मनी अरेंज करके वो चल देता है। लेकिन स्टार्टअप को चुनाव से जोड़ना, या स्टार्टअप का कोई असर आपके इलेक्शन में आना है, तो मैं समझता हूं कि वो नहीं आएगा। लेकिन उज्ज्वला योजना में एक कहानी मेरे पास एक मिनट की है, उसको मैं जरूर बताऊंगा। जी जी। RPN सिंह साहब अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और सम्मानित सदस्य हैं, सम्मानित नेता उत्तर प्रदेश के। RPN सिंह साहब जब 2014 का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उसके पहले, वो उस समय होम मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर होम, उसके पहले उनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय का चार्ज था। 2014 में मैं गोरखपुर में किसी अखबार में एडिटर था, तो मेरा जाना वहां होता था। पडरौना में उन्होंने, जैसे हम लोगों के यहाँ जो बड़ी एजेंसीज हैं गैस की, उसके अलावा पडरौना में एक स्कीम निकाली थी जिसमें छोटी छोटी एजेंसीज भी थी, चार गांव पांच गांव के पास एक एजेंसी थी। उनका 2014 में बुरी तरह बेचारे हार गए चुनाव, तब जब उन्होंने घर घर सिलेंडर पहुंचा दिया था, उज्ज्वला योजना बाद में आई है। कांग्रेस के सरकार में मिनिस्टर के रूप में, पेट्रोलियम मंत्री के रूप में, पडरौना की पूरी संसदीय क्षेत्र में, और लोग कह रहे थे, मतलब मैं कम से कम 50 गांव विजिट किया था, गांव का आदमी कहता था कि भैया कुंवर साहब ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, सिलेंडर आ गया, लेकिन क्या करूं, सिलेंडर भराने का पैसा नहीं है। और कुंवर साहब हार गए, राजेश पांडे साहब जीत गए थे चुनाव। तो वो मुद्दा ये नहीं है, जब तक पैसा बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल घर चलाने पैसा, बिल्कुल मिनिमम, अगर आपके पैसा नहीं है तो सिलेंडर आपको रोटी नहीं दे सकता, ये भी समझने की जरूरत है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जाने माने रण विजय सिंह भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या राय है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
भाजपा का संकल्प है, बढ़ेगी सुविधा, खुशहाल होगा गन्ना किसान। 14 दिनों में होगा भुगतान, मिलेगा ब्याज अगर देरी से हुआ भुगतान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं, दो फेस के इलेक्शंस बचे हैं, पूर्वांचल के जिले हैं। हम बात करें लाभार्थी वर्ग की, कि लाभार्थी वर्ग का जो रोल है वो कितना अहम हो जाता है, वो किस दिशा की ओर है, क्या वो जिसको लाभ पहुंचा है वो वोटों में तब्दील होगा या फिर तमाम सारी नाराजगी उसके जहन में है जब वो वोट करने जाएगा। हमारे साथ तमाम सारे मेहमान बने हुए, एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रणविजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम वर्षों का आपको अनुभव है। रणविजय सिंह, आप ही के पास आएंगे। अब जो इलेक्शंस बचे हैं, दो फेस के इलेक्शंस हैं, 25% सीटें उत्तर प्रदेश की इन जिलों में हैं, क्या लगता है कि लाभार्थी वर्ग किस तरह की भूमिका निभाने वाला है? देखिए, लाभार्थी वर्ग जो है वो इस समय दुधारी तलवार है, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। लेकिन अहम सवाल जो है जनता के, मूल सवाल क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, छुट्टा जानवर, जिन जिन दो चरणों के चुनाव होने हैं वहां पर गरीब लोगों की संख्या है, मध्यम वर्ग मतलब 2.5 एकड़ के करीब लैंड होल्डिंग वाले किसान हैं, तो ऐसे में जो ज्वलंत सवाल है बेकारी का है, यूथ है, यहाँ वोकल यूथ आपको यहाँ मिलेगा, तो ये रोजगार नहीं मिलना है, महंगाई बढ़ना है, छुट्टा जानवर है, और इनकम्बेंसी जो सरकार के खिलाफ है कि चाहे वो विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो, सबके खिलाफ ये है कि वो 5 साल भीतर में जो काम करना चाहिए तो किए नहीं। जहां तक बात है कि लाभार्थी वर्ग का, मैं बताना चाहता हूं कि जगह जगह से लोग कह रहे हैं, जो एकदम निचले तबके का आदमी जो 5 किलो अनाज का है उसमें 1% जरूर है जो लाभार्थी वर्ग के तौर पर की जो सरकार पैसा दे रही है, आवाज नहीं आ रही है, जो अनाज दे रही है, तो हम जो है उसको वोट करें। लेकिन एक बड़ा वर्ग है कि भाई कहता है कि अच्छा तो ये दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, किसके पैसे से दे रहे हैं, मार्च तक ही देंगे, अब नई सरकार आई तो नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरे अखिलेश यादव ने बोल दिया मैं तो सरकार में आ गया तो मैं देता ही रहूंगा। तो एक जो भ्रमपूर्ण स्थिति है उसमें लाभार्थी वर्ग जो है वो विचलित है, दो राह पर है। एक बात यहाँ और याद रखनी होगी आपको कि ये वो एरिया है जहां कास्ट कॉम्बिनेशन का बड़ा जोर है, तो वो लोग ये बात कहते हैं कि ठीक है दिया उन्होंने लेकिन वोट तो देंगे ही जाएंगे, तो कुछ लाभ बीजेपी को होगा, रूलिंग पार्टी जो भी है उसको होगा, ये इससे मैं कतई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ये मत है और मैं ये मानता हूं कि उसका बीजेपी को बहुत कोई लाभ मिलने जा रहा है, ये सोचना दिवस कुल मिलाकर जो जातियां हैं वो लाभार्थी पर भारी पड़ सकती हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हमारे साथ एमडी सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एमडी सिंह जी, ब्रेक से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, शबनम जी ने तमाम बातें करी लाभार्थियों से जुड़ी हुई, तमाम ऐसी योजनाओं का जिक्र भी किया कि उसका भी फायदा पहुंचा, हालांकि उसका फायदा मेट्रो सिटीज में ज्यादा पहुंचा है, इतना ज्यादा फायदा बाकी जगह नहीं पहुंचा है, क्या कहेंगे? शैलेन जी, ये राशन की बात बीजेपी बार बार हर मंच पर कहती है,
लेकिन राशन जो ये दे रहे हैं तो वो कच्चा तो कोई चबाएगा नहीं, राशन को पकाना पड़ता है और पकाने के लिए गैस चाहिए, रसोई गैस चाहिए, और उनको वो गैस इन्होंने बेतहाशा महंगा कर दिया। सरसों का तेल जो 70 रुपया का था, उस सरसों के तेल को 215 रुपया में सरसों तेल मिल रहा है, रिफाइंड ऑयल इन्होंने इतना महंगा कर दिया। तो एक ये वही हाल है कि कोई एक कोई आदमी एक पॉकेट से 100 रुपया आपसे निकाल ले चुपके से और दूसरे में 5 रुपया डालते हुए हल्ला करता रहे कि ये 5 दे रहे हैं, ये 5 रुपया दे रहे हैं। तो इन्होंने राशन तो दे रहे हैं थोड़े पैसे का, लेकिन गैस और सरसों का तेल और रिफाइंड तेल को इतना महंगा कर दिया कि आदमी उसको कैसे बनाएगा। एमडी सिंह जी, शबनम जी का कहना है कि आपने तो वो भी नहीं किया, हम तो कम से कम राशन फ्री दे रहे हैं। ये लोग ये कहे थे कोई गरीब नहीं रहेगा, अगर कोई गरीब नहीं है तो ये कैसे राशन कट रहे हैं। इन्होंने जीवन स्तर भाजपा ने जनता का जीवन स्तर उठाने के लिए कुछ नहीं किया। यही बीमारी से बच्चे मरते हैं। उत्तर प्रदेश तो गरीब प्रदेश, सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश, 2-3 जो सबसे टॉप गरीब है, सब समय का भी सबसे गरीब प्रदेशों में लाख खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश को, निकलेगी तो ये जरूर सोचेगी आज उत्तर प्रदेश 5 साल बेहतर था कि भाजपा का, कि भाजपा का, और फिर वोट करेगी तो जरूर आती है जनता इसको। आज स्थिति है शिक्षा में इन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षा बर्बाद कर दी, बच्चों के पास इन्होंने ऑनलाइन करोड़ों बच्चों के पास स्मार्टफोन न होने के कारण करोड़ों बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके, इनके पास कोई विधन नहीं रहा योगी जी के पास। ठीक है, आप दोनों को ही रोकेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए जाएंगे, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करेंगे। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं लाभार्थी वर्ग की कि दो फेस के जो चुनाव बचे हैं उसमें अब इनका क्या रोल होने वाला है, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम सीधे आलोक जी के पास आएंगे। आलोक जी, जैसा कि ब्रेक से पहले चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं, दोनों का ही ये कहना है कि जहां उनका कहना है लाभार्थी वर्ग जो है वोट के रूप में काम करेगा, वहीं समाजवादी पार्टी कहना है कि आपने एक तरफ महंगाई बढ़ा दी, दूसरी तरफ फ्री योजना शुरू कर दी। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो योजनाएं हैं, क्योंकि दो फेस का जो इलेक्शन है वो जातियों पर काफी ज्यादा निर्भर करता है, छोटे छोटे दल काफी अहम हैं, क्या ये अपना रोल प्ले करेंगे या फिर लाभार्थी अपना रोल प्ले करेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। लाभार्थी का जो योजनाएं होती हैं उनका जो लाभ उठाते हैं उनका फायदा निश्चित तौर पर मिलता है। अभी रणविजय सिंह जी ने भी बिल्कुल सही कहा, मिलता है। अब कितना मिलेगा ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है, ये बिल्कुल प्रासंगिक सवाल है और सही है, कितना मिलेगा। अब दूसरी बात, मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक विश्वसनीयता का एक संकट आ रहा है। अब जैसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे आपने वो आप अपने पेट्रोल और डीजल की बास्केट की आप बात करिए, आपने इसमें 22 बढ़ा दिए थे एक्साइज ड्यूटी, आपने पेट्रोल में 10 रुपए की भी राहत दी नवंबर में, उसके बाद उसमें डीजल में भी आपने राहत दी 5 रुपए, लेकिन आपने बढ़ाया तो बहुत ज्यादा था। तो इससे जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, पता चला कि 3.5 लाख करोड़ रुपए इनका इस साल इकट्ठा हो रहा है। अब उसी से आप जैसे अभी हमारे एमडी सिंह साहब ने कहा कि एक जेब से लिया पैसा और दूसरी जगह दे दिया, तो आप समझिए कि अगर जैसे महंगाई कैसे कम हो सकती है, ज्यादातर सामान हमारे रोजमर्रा के खाने पीने का है, इस्तेमाल का सामान है, सब वो ढुलाई तो होती है डीजल के ट्रकों से ही, तो ढुलाई होती है। अगर आपने डीजल इतना महंगा कर रखा है, पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है, तो जाहिर सी बात है कि जो एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस के तौर पर आपको ही तो फायदा होगा। और आलोक जी, यहां पर रोकूंगा आपको, ये भी कहा जाए कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग छिड़ी है, इससे आने वाले दिनों में जो पेट्रोल के और जो डीजल के दाम हैं उन पर बढ़ोतरी भी हो सकती, क्योंकि $100 प्रति बैरल के करीब रेट पहुंच चुका है।
आपने शैलेंद्र जी बहुत सही बात उठाया, बहुत सही मुद्दा उठाया कि लेकिन इसको हम केवल पेट्रोल वाली या क्रूड बास्केट तक ही इसको सीमित ना रखें, ये तो बढ़ना है, स्वाभाविक है। लेकिन इस बढ़ने के साथ में बहुत सारी चीजें, जैसे इमर्जिंग मार्केट है, हमारा भारत भी एक इमर्जिंग मार्केट है, इसमें तो फ्लाइट ऑफ जो मनी होगी वो बहुत तेजी के साथ में हो जाएगी। जब भी कभी पूरी दुनिया में युद्ध या युद्ध जैसे हालात अगर पैदा होते हैं तो निवेश एक सिकुड़ जाता है, प्राइवेट निवेश तो बिल्कुल ही सिकुड़ जाता है। और दूसरा, अगर हम लोग जैसे डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर भी लोग वहां चाहेंगे जहां पर वो सुरक्षित ठिकाने हो। अगर उनको यूएस, जैसे यूएस में बॉन्ड वो मार्च में ये बंद कर रहे हैं खरीदना, उसके बाद में उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फेडरल पे बढ़ाने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने अगर यूएस में ही चले जाते हैं तो हमारा जो शेयर मार्केट से लेते हुए जो एक मध्यम वर्ग जो बड़ा अभी समय खुश था शेयर मार्केट और निफ्टी की उड़ान से बड़ा खुश था, बड़े पैसे बना रहा था, लेकिन उनके सामने तो संकट आ रहा है। क्योंकि अगर ये एफआईआई ने अगर पैसा ज्यादा निकाल दिया, अब जैसे अभी तक उन्होंने 60,000 करोड़ निकाल चुके हैं, अब अगर इन्होंने अभी तक इन्होंने इसको डीआई मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उससे उन्होंने उसको पूरा किया, इंस्टीट्यूशन सॉरी उससे उन्होंने उसको पूरा किया, लेकिन ये आप लंबे समय तक तो नहीं कर सकते। अगर डॉलर यहाँ से जाएगा तो शेयर मार्केट नीचे जाएगा, उसके बाद क्या। दूसरी बात, कैपिटल जब भी आपका जो जो कैपिटल इंफ्लो जब भी कम होता है, आप ये मान करके चलिए कि आपके जितने जो स्टार्टअप्स हैं, जो इनकी जो मौजूदा कंपनियां हैं, इन सबका एक एक्सपेंशन रुकेगा। जब ये एक्सपेंशन रुकेगा तो हालात क्या होंगे, यानी महंगाई और बढ़ेगी। अच्छा, पेट्रोल के महंगे होने की आपने बात करी थी, अब जो पेट्रोल महंगा होगा, केवल पेट्रोल नहीं महंगा, बिल्कुल बाकी बाकी चीजों पर भी सर असर पड़ता है। और ये भी कह सकते हैं कि चुनाव का वक्त है इसलिए सरकार इनके रेट नहीं बढ़ाई है, बढ़ा रही है, ये भी कहीं ना कहीं बात है। सर वक्त कम है हमारे पास, लास्ट कमेंट दिनेश पाठक जी के पास हम आएंगे। दिनेश जी ब्रेक पहले, जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप कहते हैं कि हमने वो पेट्रोलियम पदार्थों को बाजार के हवाले कर लिया है, बाजार ही इसका मूल्य तय करता है, तो अगर बाजार मूल्य तय करता है तो फिर इसमें सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, सवाल तो इस पे भी उठता है। अब बार बार कहते हैं, हर पत्रकार हर व्यक्ति ये कहता है, हर को मालूम है कि 7 मार्च से पहले तेल के दाम नहीं बढ़ने हैं चाहे कुछ हो जाए, तो सवाल है कि भारत सरकार की नीति क्या है। और सवाल सर अभी इस बात के भी उठते हैं कि जब क्रूड ऑयल के रेट कम थे तब जो तेल कंपनियां थी उन्होंने रेट कम नहीं किए, जब आपने $75 से जब कम आ गया, जब $72 पे आ गया, $68 पे आ गया, तो भी आपने 10 पैसे भी नहीं कम किए, लेकिन जैसे ही आपका $2 बढ़ता है बास्केट में पर बैरल, तो आप एकदम से बढ़ाना। और ये सवाल जनता के जहन में भी है, अब इसका कितना असर पड़ता है वो अलग बात है, समय का अभाव है। सर दिनेश जी के पास सीधा आएंगे, लास्ट कॉमेंट लेंगे। दिनेश जी ब्रेक से पहले आपने चर्चा की जो कई सारी, जी आएंगे शबनम जी आएंगे, आपके पास भी है, आपके पास भी आएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं चौपट कर दिया, मेडिकल आएंगे, एमडी सिंह बिल्डिंग पास बिल्डिंग बना देने से मेडिकल कॉलेज नहीं बन जाता। मैं कहना चाहती हूँ कोई डॉक्टर नहीं है, जो कहा कोई नर्स है ना कोई डॉक्टर है, खाली बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं बन जाता। एमडी सिंह जी एमडी सिंह जी आपको रोकेंगे, मेडिकल कॉलेज जीना रही है, हॉर्टिकल्चर से लेके सभी फील्ड के लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, और स्टार्टअप में हमारे कम से कम 44+ जो है यूनिकॉर्न हुए हैं इंडिया में इस दौरान में ही एनडीए सरकार के। और जहां तक बाजार की महंगाई का है, तो अगर वैश्विक महामारी आती है सदी की सबसे बड़ी, तो मैं आलोकी से भी कहना चाहती हूँ, देश विदेश की अगर बिल्कुल जनता भी देख रही है कि अगर वैश्विक महामारी है एक वजह होती है, ये भी एक वजह है कोरोना का प्रभाव। बिल्कुल आपकी शुभनम जी मैं बात से सहमत हूँ, सिर्फ केवल एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि 2016 के बाद से जीडीपी का लगातार नीचे क्या हुआ, कोरोना तो आपका 2020 में आया, 19-20 का भी आपका फाइनेंशियल ईयर जो था। देखिए जब इकोनॉमिक रिफॉर्म किसी कंट्री में होता है तो डेफिनेटली रिफॉर्म नहीं हुआ, आर्थिक आर्थिक कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, जीडीपी जो है वो ग्रोथ करने की बजाय गिर गई थी कोरोना काल से पहले, उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत तेजी से इंडिया में हो रहे थे, तमाम ठीक है, आप सभी को देंगे, समय का अभाव है, समय का अभाव है, आप सभी को रोकेंगे। लास्ट कमेंट दिनेश जी से लेंगे। दिनेश जी ब्रेक से पहले आपने चर्चा की उन योजनाओं की जहाँ कैश काफी महत्वपूर्ण है, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, विधवा पेंशन योजना की बात करें, सुकन्या मंगल योजना की बात, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जो केंद्र सरकार की हैं, तो लाभार्थियों को यह भी लगता है कि अगर सरकार अगर वोट ना भी दें तो केंद्र सरकार की योजनाओं को तो फायदा तब भी पहुंचेगा, दूसरी सरकार भी आती है। उधर अखिलेश यादव भी जिक्र कर रहे हैं, हम आएंगे तो फ्री बिजली देंगे,
और बिजली के अलावा तमाम सारी बातें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में की हैं, इसका भी असर पड़ सकता है वोटर्स के दिमाग में? नहीं, स्वाभाविक है, जो उनके फॉलोअर्स हैं उसको फॉलो करेंगे, लेकिन मूल सवाल है कि केंद्र सरकार की योजना, वो बात सिर्फ इसलिए केंद्र सरकार की स्कीम्स इसलिए इस स्टेट में सलीके से लागू की जानी चाहिए, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है जहां भ्रष्टाचार नहीं है, मैं बहुत कोट करके कह रहा हूं, जहां भ्रष्टाचार नहीं है वहां उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि केंद्र और स्टेट दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो उनके वादे हैं, उन्हें सरकार बनाना पड़ेगा, सरकार बना के जब आएंगे, जब वो इस स्थिति में होंगे, कुछ वायदे उन्होंने ऐसे किए हैं जो कभी इस जीवन में अब जमीन पर नहीं आने वाले, मसलन पुरानी पेंशन, अब उस पर कोई कह सकता है सपा का आदमी के साहब राजस्थान सरकार ने कर दिया तो हम भी कर देंगे, राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी है और पूरी राजस्थान सरकार के अफसर घनचक्कर बने हुए हैं, इसको हम कैसे लागू करेंगे? बिल्कुल, वो स्कीम भारत सरकार के हाथ में है, कह देना और करना इस पर भी बहुत, बहुत बड़ा फर्क है। फिलहाल समय का अभाव है सर, जी सर समय का अभाव है, हाँ आप इसको क्लोज करिए प्लीज। जी जी जी, समय का भाव, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दे में बात कर रहे थे लाभार्थी वर्ग जो है, अब ये जो दो फेज के इलेक्शन बचे हैं उसमें क्या भूमिका निभाता है, क्योंकि राशन योजना जो है उसका जिक्र तो लगातार प्रधानमंत्री हर मंच से कर रहे हैं, उनके तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो किसान हैं, ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, उनके जो आवारा पशुओं से खासा परेशान हैं, वो कहते हैं जितना आप देते हैं उससे ज्यादा तो आवारा पशु चर जाते हैं। उधर उज्ज्वला योजना की जब बात की जाती है तो कहा जा रहा है कि सिलेंडर के दाम इतने ज्यादा आपने महंगे कर दिए हैं, क्या इन सब का असर भी पड़ेगा जब वोटर्स वोट डालने जाएगा? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, वहां पर केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं चल रही थी, लेकिन वोटर्स ने वोट शायद इतना नहीं किया कि सरकार वहां बीजेपी की बने। ये तमाम सारी बातें हैं कि लाभार्थी का वर्ग जो है, लाभार्थी का वोट कितना वोट में तब्दील होता है, ये देखने वाली बात होगी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाएं रिश्ते बनाएं गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।